सुल्तानपुर में हाल ही में एक और एनकाउंटर हुआ है जिसमें तीन बदमाशों के पैर में गोली लगी है। यह एनकाउंटर सुबह गोसाईगंज थाना क्षेत्र में हुआ। तीनों बदमाश हत्या के मामले में आरोपी हैं और पुलिस की कार्रवाई के दौरान घायल हुए हैं। यह एनकाउंटर उस पूरे मामले से जुड़ा है जिसमें एक लड़की का शव 20 सितंबर को शारदा सहायक नहर के किनारे झाड़ियों में मिला था। लड़की की पहचान कादीपुर थाना क्षेत्र के निवासी के रूप में हुई थी, जिसकी खो जाने की रिपोर्ट जून के महीने में दर्ज कराई गई थी। जांच में पता चला कि लड़की का सलमान नाम के लड़के के साथ रिलेशनशिप था और वो उसके साथ भागकर मुंबई आ गई थी। पुलिस ने बताया कि लड़की ने सलमान से शादी करने की बात की। ये बात सुनकर सलमान ने शादी से मना कर दिया। इसके बाद सलमान ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर लड़की को मारने का प्लान बनाया और 20 सितंबर को लड़की का गला दबाकर जान ले ली। एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने तीनों आरोपी सलमान, सरवर और जावेद को गिरफ्तार करने के लिए हर जगह घेराबंदी कर ली। जैसे ही पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। आइए आपको सुनाते हैं पुलिस अधिकारी ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा। 2024 को थाना गोसाईगंज क्षेत्र में एक अज्ञात महिला का शव मिला था, जिसका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में ये ज्ञात हुआ कि उसकी मृत्यु जो है गला दबाने के कारण हुई है। बाद में छानबीन के दौरान इसकी शिनाख्त हुई और इसका नाम प्रकाश में आया कि इसका नाम रिंका है और इसकी गुमशुदगी के संबंध में थाना कादीपुर में दिनांक 1 जून 2024 को मुकदमा लिखा गया है। साक्ष्य संकलन से पता चला कि इसमें इसकी हत्या में चार लोग शामिल हैं, जिनका नाम है सलमान, शहनशाह, सरवर व जावेद। सलमान को पीड़िता बहुत पहले से जानती थी और उसी के साथ ये मुंबई गई थी। वापस आने पर पुलिस ने इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। फिर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के पश्चात ये पुनः गायब हो गई और सलमान के साथ थाना गोसाईगंज क्षेत्र में पहुंची, जहां पर अन्य तीन अभियुक्तों ने सलमान की मदद की रुकने में और अन्य संसाधन उपलब्ध कराने में। वहीं पर सलमान से इसका शादी को लेकर के विवाद हुआ और पीड़िता ने दबाव बनाया कि मैं तुम चारों को जेल भिजवा दूंगी। इसके पश्चात इन चारों लोगों ने मिलकर के योजना बनाई और इसे रास्ते से हटाने का सोचा और दिनांक 20 सितंबर 2024 को इसकी हत्या कर दी। विवेचना के क्रम में शहनशाह की गिरफ्तारी हुई, जिसकी सूचना पर और मुखबिर की सूचना पर आज थाना अखंड नगर क्षेत्र में अन्य तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीमें लगाई गई थी, जहां पर पीछा करने के दौरान इन तीनों अभियुक्तों ने पुलिस पर फायर खोल दिया। जवाबी कार्रवाई में तीनों अभियुक्तों को गोली लगी है, जिन्हें गिरफ्तार करके प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है। घायल बदमाशों को तुरंत अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। इस एनकाउंटर के बाद राजनीति भी सामने आई है। कुछ राजनीतिक दलों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं और इसे फर्जी एनकाउंटर बताया, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने इस आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया है और कहा कि यह कार्रवाई कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी थी। सुल्तानपुर में एनकाउंटर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और पुलिस पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस घटना ने न केवल लोगों में बल्कि राजनीति में भी हलचल मचा दी है। पुलिस के इस कदम से ये साफ नजर आता है कि राज्य में अपराध को लेकर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और सरकार भी अपराध और अपराधियों को लेकर काफी गंभीर है। फिलहाल सुल्तानपुर का एनकाउंटर एक जरूरी मुद्दा है, जो न केवल अपराधियों के खिलाफ पुलिस की सख्ती को दिखाता है, बल्कि समाज में सुरक्षा के मुद्दे पर भी सवाल खड़े करता है।